असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस इज़ दी थर्टी फर्स्ट लेक्चर इन ए सीरीज़ ऑफ़ 45 lectures लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इनशाला अच्छे होंगे लास्ट uh, लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस की थी काउंटर्स की एक तो डिजिटल क्लॉक थी और दूसरा जो था फ्रिक्वेंसी काउंटर और एंड में हमने एक डिज़ाइन प्रोसीजर जो हम यूज़ करेंगे किसी भी काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए आज डिस्कशन उस पर जारी रहेगी आइए पहले हम लास्ट लेक्चर के कुछ जो टॉपिक्स थे वो रिव्यू करने ले। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्लॉक सर्किट देखा था डिजिटल क्लॉक सर्किट जिसमें हमने दो टाइप के काउंटर्स डिस्क्राइब किए थे एक डिवाइड बाय सिक्सटी था जिसको हम यूज़ करते हैं मिनट्स को सेकंड्स को मैयर करने के लिए काउंट करने के लिए और एक हमने आवर्स काउंटर डिस्क्राइब किया था जो बेसिकली जो आवर्स हैं उनको मैयर करता है या काउंट करता है जो मिनट्स एंड सेकंड्स काउंटर था वो डिफरेंट था ऑफ़ कोर्स आवर्स काउंटर से आवर्स काउंटर जैसे हमने बात की थी कि वो जीरो जीरो पे कभी सेट नहीं होता सेकंड्स तो ज़ीरो ज़ीरो पे सेट हो जाएंगे मिनट्स भी जीरो जीरो पे सेट हो जाएंगे आवर्स जो हैं लेट्स से ट्वेल्व तक पहुँचता है उसके बाद वन पे आना है तो उसमें हमने सर्किट डिस्क्राइब किया था कि जब आप रीसेट करते हैं आवर्स काउंटर को तो वो दोबारा से एक वन वैल्यू जो है या वन काउंट जो है वो रीलोड कर लेता है उसका टाइमिंग डायग्राम भी हमने देखा था इसके बाद हमने एक फ्रीक्वेंसी काउंटर को डिस्क्राइब किया था फ्रीक्वेंसी काउंटर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी अन सिग्नल हो उसके आगे अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो वो अन जो सिग्नल है वो आप क्लॉक इनपुट जो है काउंटर का उस पर आप कनेक्ट कर दें उस क्लॉक इनपुट को एक ख़ास टाइम के लिए जिसको कहते हैं हम सैम्पलिंग इंटरवल उस तक इनेबल रखें वो देखा था हमने थ्रू एन एंड गेट हम इनेबल रखते हैं तो उस सैम्पलिंग इंटरवल में जितने भी पल्स आ रही हैं अननोन सिग्नल की वो बेसिकली काउंटर को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं सो so, जो ही वो सैम्पलिंग इंटरवल ख़त्म होगा काउंटर में जो भी वैल्यू है वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है फ्रीक्वेंसी सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी एज यू नो जो नंबर ऑफ क्लॉक्स पर सेकेंड या पर टाइम पीरियड जो है इसके बाद हमने जो है डिटेल सर्किट देखा था हमने ये बात की थी कि जो सैम्पलिंग इंटरवल है उसका एग्जैक्ट होना बड़ी ज़रूरी है अगर सैम्पलिंग इंटरवल uh, जो है वो एग्जैक्ट नहीं है एरोज बीच में आती हैं सो सैम्पलिंग इंटरवल जो है उसके डिफरेंट सैम्पल्स लेने या एग्जैक्ट करने के लिए हमने एक अगेन काउंटर सर्किट देखा था जिसमें छः के करीब डेकेट काउंटर्स कैसकेडेड लगे हुए थे सो so, इनपुट हम फ्रीक्वेंसी देते हैं उसके बाद वो डिवाइड बाय टेन करता जा रहा है हमें छः डिफरेंट किस्म के सैंपलिंग इंटरवल्स अवेलेबल हैं वो जो सैंपलिंग इंटरवल है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी जो हम मैर करना चाह रहे हैं सैम्पलिंग इंटरवल जो है आगे एक नैंड एंड गेट को लगा हुआ है जिसको वो इनेबल डिसेबल करता है एक वन शॉट सर्किट हमने देखा था जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम जो काउंटर है उसको रीसेट करते हैं क्लियर करते हैं बिफोर वी मयर दी अन नोन फ्रिक्वेंसी सो जो ही वो काउंटर जो है रीसेट हो जाता है सैम्पलिंग इंटरवल जो है एक्टिवेट हो जाता है उसमें जितने भी इनकमिंग पल्सिस हैं अन सिग्नल की वो काउंटर को इंक्रीमेंट करते जा रही हैं ही सैम्पलिंग इंटरवल ख़त्म होता है तो वो जो काउंटर में वैल्यू है बेसिकली वो हमें बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी अननोन सिग्नल की कितनी है लास्ट में हमने डिस्क्राइब किया था कि एक डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होना चाहिए जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के काउंटर्स बना सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमने ये बात की थी कि जो काउंटर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में काउंट करें वो डिफरेंट स्टेट्स में जंप कर सकते हैं लेट्स से वन है फाइव है सेवन आ सकता है नाइन आ सकता है तो क्या प्रोसीजर होगा दूसरी हमने बात ये की थी कि जो काउंटर्स हैं अब तक जो हमने देखे हैं वो बेसिकली जे के फ्लॉप को यूज़ करके हमने बनाया है तो जरूरी नहीं कि जे के फ्लॉप को यूज़ करें आप एस आर फ्लॉप्स यूज़ कर सकते हैं डी फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं सो अगेन प्रोसीजर क्या होगा जिसकी मदद से हम डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड काउंटर बना सकें या एस आर फ्लिप फ्लॉप बेस्ड काउंटर बना सकें हमने जनरली बात की थी कि ये जो काउंटर है एक सिंपल सिक्वेंशल सर्किट है जिसको हम एक स्टेट मशीन कहते हैं क्लॉक सिंक्रोनस स्टेट मशीन कहेंगे क्योंकि क्लाक की मदद से इसकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं और जो काउंटर है उसमें डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो मेमोरी एलिमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं सो फ्लिप फ्लॉप्स अपनी स्टेट कब चेंज करेगा जो ही क्लॉक सिग्नल आया और सारे फ्लप फ्लॉप्स इकट्ठे अपनी स्टेट चेंज करेंगे सो so, उनके जो क्लॉक इनपुट्स हैं वो एक कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड हैं सिक्वेंशल सर्किट हमने डिस्क्राइब किया था बेसिकली दो इसके इंपॉटेंट पार्ट हैं एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ़ फ्लॉप्स हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर और दूसरा जो है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है मेमोरी एलिमेंट के बारे में हमने ये कहा था कि किसी टाइम इंस्टेंट पे वो एक करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट में होगी जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई उसकी वजह से जो करंट स्टेट है वो चेंज हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट में अब नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी बेसिकली डिपेंड करता है कि इनपुट पे हमने क्या अप्लाई किया इनपुट कैसे आएगा वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है जो प्रेजेंट स्टेट है मेमोरी की या फ्लिप फ्लॉप्स की और कोई एक्सटर्नल इनपुट आ जाए उनके मदद से जो कॉम्बिनेशनल इंफॉर्मेशन बन रही है या बोलियन एक्सप्रेशन बन रही है वो हम इंप्लीमेंट करके कनेक्ट कर देंगे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जो आउटपुट है इस सीक्वेंश सर्किट का वो दो किस्म का हो सकता है या तो डायरेक्टली जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं जो प्रेजेंट स्टेट है वो डिटरमिन करेगी कि आउटपुट क्या है और दूसरा जो है हमारे पास ऑप्शन वो ये है कि जो एक्सटर्नल इनपुट्स आ रही हैं वो और जो फ्लिप फ्लॉप की करंट स्टेट है उन दोनों को कंबाइन करेंगे वो हमें आउटपुट देगा बेसिकली इस किस्म की जो स्टेट मशीन है इसको हम मीली मशीन कहेंगे जिसका आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल इनपुट्स पे और फ्लिप फ्लॉप के की प्रेजेंट स्टेट पे और जो मूर मशीन है वो डिपेंड कर रही है वो डिस्क्राइब करती है एक स्टेट मशीन को जिसका आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट स्टेट को सो लास्ट टाइम हमने एक जनरल ब्लॉक डायग्राम देखा था एक मीली मशीन का और मोर मशीन का इसके बाद हमने बात की थी कि जो स्टेप्स हैं डिज़ाइन प्रोसीजर में कहाँ से शुरू करना है और कैसे वो स्टेप्स हम करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे पहला जो स्टेप है किसी भी सिक्वेंशल सर्किट का वो हमने डिस्क्राइब करना है स्टेट डायग्राम स्टेट डायग्राम क्या है काउंटर की एग्जांपल ले लें काउंटर जो है थ्री बिट अप काउंटर है उसकी आठ स्टेट्स हैं जीरो 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 से शुरू करेगा और काउंट करता जाएगा वन 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 तक चला जाएगा और फिर वापस रिसाइकिल होकर ज़ीरो ज़ीरो जीरो से अपना सीक्वेंस जारी रखेगा अब I इन mean, सारे सीक्वेंसेस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे थ्रू ए डाइग्राम तो वो आप स्टेट डायग्राम की मदद से कर रहे हैं स्टेट डायग्राम में हमने ये बताया था आपने बल्कि देखा भी था डिफरेंट सर्कल्स हैं जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल में कुछ हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो स्टेट की प्रेजेंट स्टेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सो काउंटर के केस में पहली जो स्टेट है इनिशियल स्टेट जो है वो ज़ीरो ज़ीरो होगी सो so, एक सर्कल होगा जिसमें ज़ीरो ज़ीरो लिखा होगा जूँ ही क्लॉक ट्रांजेशन हुआ आप प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे हैं सो नेक्स्ट स्टेट जो है अगेन सर्कल होगा उसमें जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है वो लिखी होगी और क्योंकि आप प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे हैं तो वो जो है एक डायरेक्टेड एरो एक एरो है जो प्रेजेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट से कनेक्ट कर रही है सो स्टेट डायग्राम की मदद से आप जो भी सीक्वेंस है किसी भी सीक्वेंशल सर्किट का उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं आज हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है डिज़ाइन प्रोसीजर का वो क्या है बेसिकली स्टेट डायग्राम जो है उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उससे आप एक स्टेट टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, जो भी स्टेट डायग्राम आपने बनाया उसकी मदद से एक टेबलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेके आना है सो स्टेट टेबल में बेसिकली क्या बता रहा होगा जो इनिशियल स्टेट्स हैं जितने भी और जो कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट्स हैं जब भी क्लॉक ट्रांजिशन हुआ तो जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो भी आपने लिख देनी है सो so, uh, जो इनिशियल स्टेट या प्रेजेंट स्टेट एंड दी कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट आप लिखेंगे सो so, आइए देखते हैं स्टेट डायाग्राम टेबल जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है टेबल फॉर्म में लिखी जाती है डायग्राम में एक नेक्स्ट स्टेट टेबल दिखाया गया फॉर ए थ्री बिट अप काउंटर इसको समझने के लिए जो हमने स्टेट डाइग्राम डिस्क्राइब किया था वो सामने रखिएगा सो इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं कुछ तीन कॉलम्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट को और नेक्स्ट थ्री कॉलम्स जो हैं वो नेक्स्ट स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं सबसे ऊपर क्यू टू क्यू वन क्यू ज़ीरो लिखा गया जो कि हैं स्टेट वेरिएबल्स और इसी तरह जो आखिरी तीन कॉलम्स हैं उधर भी क्यू टू क्यू वन क्यू ज़ीरो स्टेट वेरिएबल्स हैं सो पहली रो में अगर देखें पहली जो स्टेट है वो है ज़ीरो 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 सो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो जो कि ऑफ कोर्स फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स होंगे वो सेट हो गए जीरो 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 पर जुइंग क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ आप इस प्रेजेंट स्टेट से जो कि ज़ीरो जीरो ज़ीरो है आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे जीरो जीरो so, वन सो जैसा कि नज़र आ रहा है पहली रो में आखिरी तीन कॉलम्स में नेक्स्ट स्टेट जो है ज़ीरो जीरो वन है इसी तरह अगर रो टू को देखें जब आप पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले गए अब दूसरी जो स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी सो सेकेंड रो में ज़ीरो जीरो वन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है प्रेजेंट स्टेट को जो ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुआ आप नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं जीरो वन ज़ीरो इसी तरह आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं आठ स्टेट्स हैं बेसिकली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट है वो आपने जो आखरी है, अपने जो आखिरी तीन कॉलम्स हैं उसमें आपने लिख देनी हैं सो पहले तीन कॉलम्स में जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं जीरो ज़ीरो ज़ीरो है दूसरी जो है ज़ीरो ज़ीरो वन है आखिरी जो है वन 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 है वन 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 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट स्टेट है वो ऑफकोर्स ज़ीरो 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 है क्योंकि हमने ये देखा था कि जो ही थ्री बेड काउंटर है अपने टर्मिनल काउंट पे पहुंचता है उसके बाद वो रिसाइकिल कर देगा सो वन 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 अगर प्रेजेंट स्टेट है उसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो ऑफकोर्स जीरो जीरो ज़ीरो है अभी हमने एक स्टेट टेबल देखा जो कि स्टेट डायाग्राम को टेबलर फॉर्म में रिप्रजेंट कर रहा है स्टेट टेबल में बेसिकली हमारे पास प्रजेंट स्टेट्स बताई गई हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो बताई गई हैं नेक्स्ट स्टेप जो है डिज़ाइन प्रोसीजर में वो हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास अब प्रेजेंट स्टेट्स आ गई नेक्स्ट स्टेट्स आ गई जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था ये जो स्टेट्स हैं ये स्टोर कौन कर रहा है बेसिकली मेमोरी एलिमेंट कर रहा है मेमोरी एलिमेंट क्या है बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अब जैसा कि हमने काउंटर डिज़ाइन में देखा था फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट स्टेज है या काउंटर की जो आउटपुट स्टेट है वो डिपेंड कर रही है इनपुट स्टेट पे इनपुट पे हमने बताया था अगर जे के है जे वन है के ज़ीरो है तो क्लॉक ट्रांजिशन पे आउटपुट उसका वन हो जाएगा अगर जे ज़ीरो है के वन है तो फिर आउटपुट पे क्लॉक ट्रांजिशन पे ज़ीरो हो जाएगा तो हमने इनपुट कंडीशंस जो हैं वो डिटरमिन करने हैं अच्छा इनपुट कंडीशंस डिटरमिन करने से पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं टू इंप्लीमेंट दैट मेमरी एलिमेंट हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है एस आर फ्लॉप हो सकता है या कोई और कोई भी सर फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं लेट्स सपोज के हम इनफैक्ट इस एग्जांपल के लिए हम जे के फ़्लप फलाप को यूज़ कर रहे हैं अब जे के फ़्लप फलॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जे पे और के पे ये जो दो इनपुट कॉम्बिनेशन हैं ये क्या होंगे ताकि जो एक लेट्स से आउटपुट स्टेट ज़ीरो है वो वन पे चेंज हो जाए या आउटपुट स्टेट अगर वन है वो वन ही रहे या वन है आउटपुट स्टेट और ज़ीरो पे चेंज हो रहा है तो इन सारों के लिए हमें जे के फ्लॉप के इनपुट कंडीशनस मालूम होने चाहिए सो नेक्स्ट स्टेप जो बेसिकली होगा एक हम जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेसन टेबल बनाएंगे जिसमें जो जितनी भी आउटपुट स्टेट प्रजेंट से नेक्स्ट पे जा रही है उनकी इनपुट कॉम्बिनेशन हम लिस्ट करेंगे जब हमारे पास ये ट्रांजक्शन टेबल आ जाएगा जे के फ्लिप फ्लॉप का या कोई और अब अगर, अगर हम बाद में फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का हम ट्रांजेशन टेबल बनाएंगे इस ट्रांजेशन टेबल की मदद से हम जो है एक और टेबल बनाएंगे जो कि जिसको हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल सो फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल तो हम बाद में देखते हैं पहले हम देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेक्शन टेबल आइए देखें डायग्राम में एक जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेक्शन टेबल दिखाया गया इसके दो इनपुट कॉलम्स हैं और दो आउटपुट कॉलम्स हैं इनपुट कॉलम्स में ऑफ कोर्स जे इनपुट और के इनपुट को दिखाया गया और आउटपुट में क्यू टी एंड क्यू टी प्लस वन सो प्रेजेंट स्टेट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्यू टी प्लस वन जो है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो हो क्यू टी जो है वो ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस वन वो भी ज़ीरो है तो जे और K, जो के जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं उनको क्या होना चाहिए बेसिकली दो किस्म के इनपुट्स हो सकती हैं दो कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो क्यू टी अगर ज़ीरो है तो क्यू टी प्लस वन भी ज़ीरो रहे जैसा कि हमें मालूम है अगर जे इनपुट और के इनपुट दोनों जीरो ज़ीरो हों तो क्लॉक ट्रांजिशन पे अगर आउटपुट स्टेट ज़ीरो है तो वो नेक्स्ट आउटपुट जो है वो जीरो ही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा सो so, एक तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो जे शुड बी ज़ीरो और के शुड बी ज़ीरो दूसरी जो इनपुट कॉम्बिनेशन है अगर के वन हो और जे ज़ीरो हो सो so इस सूरत में जो आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा बेसिकली फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है वट एवर दी इनिशियल स्टेट सो जे ज़ीरो के वन पे भी क्यू टी प्लस वन जो है जीरो हो जाएगा सो so, अब इन दोनों इनपुट कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जे ज़ीरो हो के ज़ीरो हो या वन हो इट डजेंट मैटर जे अगर ज़ीरो हो क्लॉक ट्रांजेक्शन पे क्यू टी प्लस वन जो नेक्स्ट डेट है वो जीरो होगी इसी तरह अगर सेकेंड रो में देखें प्रेजेंट स्टेट जो है क्यू टी वो जीरो है नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस वन जो है वो वन पे चेंज हो रही है सो so, बेसिकली इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे अगर जे वन हो और के वन हो तो वो हमें पता है कि आउटपुट जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी सो so अगर इनिशियल स्टेट जीरो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन हो जाएगी दूसरी जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेट आउटपुट जो है वन आएगा वो ये है कि जे हो और के ज़ीरो हो सो so अब अगर इन दोनों केसेस को लिया जाए इनमें जो मुशतरक चीज़ जो है या कॉमन चीज़ जो है वो जे इनपुट जो है वो वन पे होना चाहिए के जो है कुछ भी हो ज़ीरो हो वन हो इट डजेंट मैटर क्लॉक ट्रांजेशन पे जे के फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट स्टेट जो है क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन हो जाएगी सो के कॉलम में एक्स बताया गया है विच रिप्रजेंट्स डोंट केयर अब तीसरी रो में आ जाएँ जो आउटपुट स्टेट है वो इनिशियल स्टेट या प्रेजेंट स्टेट जो है वो वन है क्यू टी इज़ इक्वल टू वन और क्यू टी प्लस वन जो नेक्स्ट स्टेट है वो ज़ीरो पे चेंज हो रही है अब इसके लिए जो इनपुट कंडीशंस हैं जे शुड बी ज़ीरो एंड के शुड बी वन बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो रहा है ज़ीरो पे दूसरी जो कंडीशन है ऑफ कोर्स हम जैसा कि देख रहे हैं प्रेजेंट स्टेट जो है वो टॉगल हो रही है चेंज हो रही है ज़ीरो पे इनिशियल स्टेट वन है नेक्स्ट स्टेट जीरो पे जा रही है सो so, जो दूसरा इनपुट कंडीशन है जे के फ्लि फ्लॉप के इनपुट पे वो होगा जे शुड बी वन एंड के शुड बी वन इनमें अगर कॉमन चीज देखें के जो है उसको वन रहना चाहिए जे जो है वो जीरो हो वन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस वन वो ज़ीरो हो जाएगा क्लॉक ट्रांजिशन अब ये देखिए चौथे केस को चौथे केस में जो प्रेजेंट स्टेट है क्यू टी वो वन है और क्यू टी प्लस वन जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी वन है सो बेसिकली आउटपुट जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा इसके भी अगेन जे के फ्लॉप के दो कंडीशन हैं अगर जे ज़ीरो हो के ज़ीरो हो तो आउटपुट स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट रहेगी और जो दूसरा कंडीशन है जे अगर वन हो और के ज़ीरो हो तब नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन हो जाएगी सो so, कॉमन चीज़ जो है इसमें वो के शुड बी ज़ीरो जे ज़ीरो हो वन हो इट डज़ेंट मैटर के अगर जीरो हो क्लॉक ट्रांजिशन पे जो क्यू टी प्लस वन है वो वन हो जाएगा अभी हमने जे के फ्लॉप का ट्रांजेक्शन uh, टेबल देखा जैसा कि हमने पहले बताया था अब इस ट्रांजेसन टेबल की मदद से जो हमारा स्टेट टेबल था उसको हम मॉडिफ़ाई करेंगे स्टेट टेबल में बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है अब इस ट्रांजेसन टेबल की मदद से हम ये मालूम करेंगे कि जे के इनपुट्स क्या होने चाहिए जिसकी वजह से प्रेजेंट स्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेट में चेंज हो रहा है आइए देखते हैं ये इनपुट टेबल फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन है uh, जो स्टेट टेबल और जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल आइए देखें आइए देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल जैसा कि हमने बताया जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल जो है वो स्टेट टेबल जो हमने पहले डिस्कस किया था और जो जे के फ्लॉप ट्रांजक्शन टेबल है इन दोनों की मदद से बनाया गया है जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल में पहले तीन जो कॉलम हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट को जो कि हमने पहले भी स्टेट टेबल में देखे थे सो क्यू टू क्यू वन क्यू ज़ीरो स्टेट वेरिएबल्स हैं इसके नीचे जो स्टेट्स दी हुई आठ स्टेट्स दी हुई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जीरो ज़ीरो और आखिरी जो स्टेट है वन 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 नेक्स्ट थ्री जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट को जो कि हमने देखे थे अगेन स्टेट टेबल में पहले सो क्यू टू क्यू वन क्यू ज़ीरो वही स्टेट वेरिएबल्स हैं और पहली रो में जो नेक्स्ट डेट है जीरो ज़ीरो वन है सो प्रेजेंट डेट ज़ीरो 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 है क्लॉक ट्रांजेक्शन पे नेक्स्ट डेट जीरो ज़ीरो वन हो जाएगा इसी तरह अगर आप आखिरी प्रेजेंट स्टेट को देखें जो कि वन 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 है क्लॉक ट्रांजेक्शन पे ये प्रेजेंट स्टेट से आप मूव कर रहे हैं नेक्स्ट डेट पर जो कि ज़ीरो जीरो ज़ीरो है आखिरी जो छः कॉलम हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को अब अगर पहली रो को देखें हमें ये मालूम हो गया है कि अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो 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 हो तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो जीरो जीरो वन होगी अब बेसिकली हमने ये डिसाइड किया है कि हमने जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने इस सीक्वेंशल सर्किट को या काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब बेसिकली कितने फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होंगे जैसा कि हम हमें नज़र आ रहा है आठ स्टेट्स हैं या तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं सो so हर स्टेट वेरिएबल को आपने इम्प्लीमेंट करना है एक फ्लिप फ्लॉप से सो so तीन स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली इम्प्लीमेंट होंगे तीन फ्लिप फ्लॉप से सो so, एक फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट्स हैं J2, K2। दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स हैं J1, K1 और जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट्स हैं J0, K0। जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है जिसके इनपुट्स J0, K0 हैं है उसका आउटपुट जो है ऑफ कोर्स Q0 है इसी तरह जो सेकेंड वाला फ्लॉप है जिसके इनपुट्स जे वन के है उसका आउटपुट जो है क्यू है और इसी तरह जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप था J2 K2 जिसके इनपुट्स थे उसका जो आउटपुट है वो Q2 है अब ज़रा सामने ट्रांजिशन टेबल को रखें जो फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप का हमने पहले डिस्कस किया था उसकी मदद से ये जो आखिरी छः कॉलम्स हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं सो पहली रो को अगर देखें क्यू टू है नेक्स्ट आ, स्टेट का जो कॉलम है अगेन Q2 को देखें उधर भी q2 टू ज़ीरो है सो प्रजेंट स्टेट ज़ीरो है नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो है अब आप अगर ट्रांजेशन टेबल को देखें इसमें जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट कंडीशन क्या होने चाहिए बेसिकली j को ज़ीरो होना चाहिए और k को डोंट केयर होना चाहिए सो so, अगर आप J2 के कॉलम को देखें और K2 के कॉलम को देखें पहली रो में J2 टू ज़ीरो लिखा हुआ है और K2 X लिखा हुआ है दैट मीन्स डोंट केयर इसी तरह अगर आप सेकेंड रो पे चले जाएं Q2 टू ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट का जो कॉलम Q2 है उसकी so so सेकेंड रो में देखें अगेन Q2 जो है जीरो है सो अगेन स्टेट जो है चेंज नहीं हो रही सो इसके लिए अगेन इनपुट कंडीशन जे के और के क्या होंगे वही ज़ीरो एक्स होंगे अगर आप चौथी रो में देखें प्रेजेंट स्टेट जो है Q2 की वो ज़ीरो है नेक्स्ट स्टेट Q2 की जो है वो वन है अब इसके लिए फ्लिप फ्लॉप के इनपुट कंडीशंस क्या होंगे वापस अगर आप जे के फ्लिपॉप ट्रांजेक्शन टेबल को देखें सो जीरो क्यू टी जीरो हो और क्यू टी प्लस वन वन हो तो उसके लिए जे के इनपुट कंडीशन क्या होने चाहिए वन एक्स होना चाहिए सो so, अगर आप जे के फॉप इनपुट्स के जे टू कॉलम और के टू कॉलम को देखें उसमें आपको वन एंड एक्स नज़र आएगा इसी तरह अगर आप आखिरी स्टेट को देखें क्यू टू जो है प्रजेंट स्टेट जो है वो वन है और नेक्स्ट स्टेट क्यू टू जो है वो जीरो है सो so, वन से ज़ीरो पे चेंज हो रही है स्टेट अब अगर आप ट्रांजिशन टेबल को देखें क्यू टू जहाँ वन दिखाया गया और क्यू टी प्लस वन जहाँ ज़ीरो दिखाया गया इसके जो इनपुट कंडीशन क्या हैं जे शुड बी एक्स डोंट केयर है बेसिकली और के क्या होना चाहिए वन होना चाहिए सो so, इसी तरह अगर जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो टेबल है उसके जे टू कॉलम में देखें उधर एक्स लिखा गया और के टू कॉलम में वन लिखा गया है इसी तरह आप Q1 वन स्टेट वेरिएबल के लिए आप उसकी प्रेजेंट स्टेट देखेंगे उसकी नेक्स्ट स्टेट देखेंगे और उसके लिए आप डिटर्मिन करेंगे कि J, K इनपुट्स क्या होने चाहिए Q1 हमने बेसिकली बताया था दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जिसके इनपुट्स हैं J1 और K1। वन so सो अगर J1, K1 कॉलम में देखें उसमें भी हमने जीरो एक्स वन एक्स एक्स जीरो एंड सन ये लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर क्यू आउटपुट इसी तरह आपने Q0 जो स्टेट वेरिएबल है उसकी अपनी प्रजेंट डेट देखनी है उसकी नेक्स्ट स्टेट देखनी है उसके लिए आपने डिटरमिन करना है कि J के इनपुट्स क्या होने चाहिए Q0 जो हमने बताया था आउटपुट स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक तीसरे फ्लप फ्लप का जिसके इनपुट्स हैं J0 एंड K0। सो फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू जीरो को अगर पहले रो में देखें क्यू ज़ीरो जो इनिशियल स्टेट है प्रेजेंट स्टेट है वो ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट जो है वन है इसके लिए जे के इनपुट जो हैं वो वन एंड एक्स होने चाहिए सो so जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जे ज़ीरो एंड के ज़ीरो कॉलम में पहले रो के लिए वन एक्स लिखा हुआ है इसी तरह बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सारों के लिए आपने जे के इनपुट कॉम्बिनेशन मालूम करनी है वो इसमें टेबल में लिख देनी है अभी हमने देखा जे के फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल जे के फ्लॉप इनपुट टेबल हमने बताया कि स्टेट टेबल जो है वो और जो जे के ट्रांजेक्शन टेबल है इन दोनों की मदद से हम ये जे के इनपुट टेबल बना रहे हैं अब इसमें बेसिकली इंफॉमेशन क्या आई हमारे पास जो तीन हम फ्लिप फ्लॉप इस थ्री बेड काउंटर के केस में जो यूज़ कर रहे हैं उनके जे के जो इनपुट कॉम्बिनेशन है तीनों फ्लॉप्स की वो हमारे पास आ रही है ये इंफॉर्मेशन कैसे आई हम जो है प्रेजेंट स्टेट को देख रहे हैं और नेक्स्ट स्टेट को देख रहे हैं सो so, हमारे पास तीन स्टेट वेरिएबल्स थे क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो हर स्टेट वेरिएबल को देख रहे हैं उसकी प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट देख रहे हैं उसकी मदद से हम जो तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं J2 K2 के टू इनपुट्स जे वन इनपुट और J0 K0 इनपुट उधर हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि ये वाले अगर इनपुट हों तो जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट पर चेंज हो जाएगा अब हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है एट डिफरेंट स्टेट्स के लिए अब हमने जो जे के इनपुट के लिए इंफॉर्मेशन आई उससे हमने क्या बनाना है एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है जो कि जिसका आउटपुट है वो हम कनेक्ट करेंगे मेमोरी एलिमेंट्स के इनपुट पे या फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे सो so, जो ही वो कंडीशन होगा जो फ्लिप फ्लॉप है वो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे चेंज कर जाएगा सो so, बेसिकली ये जो इनपुट टेबल में जे के इनपुट्स के लिए इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और कम्बीशन सर्किट बनाएंगे वही है कार्न मैप यूज़ करेंगे उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मैप कर देंगे उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएंगी ये जो बूलियन एक्सप्रेशन हैं ये बेसिकली हमें बताएंगे जो इनपुट कंडीशन हैं या जो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं जैसे हमने बात की थी जो कि मेमरी को इनपुट्स आ रहे हैं उनको हम एक्साइटेशन इनपुट्स कह रहे हैं और वो बेस्ड हैं किस पे जो एक्सटर्नल इनपुट्स uh, हैं और जो प्रेजेंट स्टेट है अगर आप गौर करें इसमें वही चीज़ है प्रेजेंट स्टेट्स एंड एक्सटर्नल इनपुट्स इनफैक्ट काउंटर में हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं चाहिए सो so इसलिए इधर इनपुट जो है ना एक्सटर्नल इनपुट वो मिसिंग है सो so एक्साइटेशन जो इनपुट्स नजर जनरेट uh, हो रही हैं फॉर फ्लिप फ्लॉप्स वो बेस्ड हैं ऑन दी प्रेजेंट स्टेट सो आइए देखते हैं कार्नऑफ मैप्स और ये जो जे के इनपुट्स में जो इंफॉमेशन आई है इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं दो कार्न ऑफ मैप दिखाए गए एक J2 इनपुट के लिए और दूसरा K2 इनपुट के लिए बेसिकली दोनों कार्न ऑफ़ मैप जो हैं तीन वेरिएबल के कारन ऑफ मैप्स हैं और जो तीन वेरिएबल्स हैं वो स्टेट वेरिएबल्स हैं Q2, Q1 एंड Q0। अगर आप J2 कॉलम को देखें और पहले कारन ऑफ को आ, मैप को देखें सो J2 की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने कार्न ऑफ मैप में मैप कर दी है सो पहली रो को अगर देखें Q2, Q1, Q0 जो है वो जीरो ज़ीरो ज़ीरो है सो सेल ज़ीरो जो है कार्न ऑफ मैप में उसमें क्या लिखा जाएगा J2 को अगर आप देखें उधर ज़ीरो लिखा हुआ है सो सेल ज़ीरो में ज़ीरो लिख देंगे इसी तरह अगर आप नेक्स्ट रो में जाएं, Q2, Q1, Q0 जीरो जो है ज़ीरो ज़ीरो वन है सो बेसिकली ये क्या बता रहा है सेल वन ऑफ द कार्न ऑफ़ मैप सेल वन कार्न ऑफ़ मैप में आपने क्या लिखा है रो टू में अगर J2 कॉलम को देखें उधर ज़ीरो लिखा हुआ है सो ज़ीरो लिख देना है उसमें इसी तरह अगर आप आखिरी चार रोज़ को देखें प्रेजेंट स्टेट जो है Q2 Q1 Q0 की वो बेसिकली चार जो आखिरी स्टेट्स हैं वो फोर फाइव सिक्स एंड सेवन है फोर फाइव सिक्स एंड सेवन रिप्रेजेंट कर रही हैं सेल्स फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑफ मैप के इधर क्या इन्फॉर्मेशन आएगी अगर J2 कॉलम में देखें आखिरी जो चार स्टेट्स हैं J2 कॉलम में X X X और X है ये इन्फॉर्मेशन आप ऑफ मैप में मैप कर रहे हैं सो सेल्स फोर फाइव सिक्स सेवन में आपको एक्स नज़र आ रहे हैं अब इस कार्न ऑफ़ मैप को जो एक्सप्रेशन बन रहा है अगर आप सिंपलीफाई करें तो बेसिकली एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है क्यू वन प्रोडक्ट Q0, ज़ीरो सो बेसिकली एंड ऑपरेशन है Q1 वन so और क्यू ज़ीरो स्टेट वेरिएबल के दरमियान अब आइए देखते हैं कि टू जो इनपुट है फ्लिपफ्लॉप का उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं बोलियन फॉर्म में अगेन जो प्रेजेंट स्टेट कॉलम्स को देखें Q2, Q1, Q0 वन क्यू सो पहली रो के लिए Q2 टू है Q1 वन है Q0 ज़ीरो है तो ये रिप्रजेंट कर रहा है सेल जीरो ऑफ़ दान ऑफ मैप अगर आप K2 कॉलम को देखें उसमें X नज़र आ रहा है सो कान ऑफ मैप में जो कि के टू के लिए सेल ज़ीरो में आपने X लिख देना है ना. इसी तरह नेक्स्ट थ्री जो स्टेट्स हैं जीरो जीरो वन ज़ीरो वन जीरो जीरो वन वन इसका भी इनपुट जो है वो XX और X है सो कारन ऑफ मैप में इन तीन सेल्स में आपने एक्स लिख देने हैं सिमिलरली जो आखिरी चार स्टेट्स हैं वो के uh, टू अगर कॉलम में देखें जीरो जीरो ज़ीरो और वन उसमें लिखा गया सो so, यही आपने डायरेक्टली कारन ऑफ मैप में मैप कर देने हैं सो फॉर सेल्स फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अपने कार्न ऑफ मैप्स में जीरो जीरो ज़ीरो एंड वन रिस्पेक्टिवली लिखना है जब ये इंफॉर्मेशन आ गई अब इसके बाद आपने एक बुलियन एक्सप्रेशन बनानी है सो बुलियन एक्सप्रेशन जो बन रही है बेसिकली क्यू वन प्रोडक्ट क्यू ज़ीरो सो so, अब आपके पास दो बोलियन एक्सप्रेशन आ गई हैं फ्लिप फ्लॉप टू के लिए जिसका आउटपुट Q2 है उसके इनपुट्स क्या होने चाहिए J2 होना चाहिए Q1, Q0 और K2 क्या होना चाहिए Q1 वन एंड क्यू ज़ीरो नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाया गया बेसिकली आ, दो कारन ऑफ मैप्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं J1 वन इनपुट की बोलियन एक्सप्रेशन और K1 की इनपुट बोलियन एक्सप्रेशन वही जो J2, K2 के इनपुट के लिए हमने यूज़ किया था तरीका वही इधर यूज़ कर रहे हैं आपने प्रेजेंट स्टेट कॉलम में आठ डिफरेंट स्टेट्स देखनी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जे वन कॉलम में और के वन कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिस्पेक्टिव कान ऑफ मैप में मैप कर देनी है सो so, अगर जे वन कॉलम को देखें ज़ीरो वन एक्स एक्स जीरो वन एक्स एक्स इंफॉर्मेशन आ रही है ये जो है स्टेट ज़ीरो से लेके स्टेट सेवन तक बेसिकली वन 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 तक इन्फॉर्मेशन आ रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप J1 वन कॉर्न ऑफ मैप में डाल देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जो आपके पास सिम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रही है वो बेसिकली है Q0 इसी तरह अगर आप आ, दूसरे कान ऑफ मैप को देखें जो कि K1 के लिए है अगेन K1 कॉलम को देखें उसमें इंफॉर्मेशन जो है एक्स एक्स जीरो वन एक्स एक्स जीरो वन ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कान ऑफ मैप में डाल रहे हैं प्रेजेंट स्टेट जो है वो जीरो 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 से शुरू होकर वन 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 तक चेंज हो रही है सो so, अगर इस फॉर्मेशन को सिम्प्लीफाई करें जो कि आपने कार्न ऑफ मैप में मैप की है सो तो आपके पास जो बुलिन एक्सप्रेशन आ रही है वो है के वन इज़ इक्ल टू क्यू नॉट सो बेसिकली जे वन क्यू जीरो है और के वन क्यू ज़ीरो है ये क्या बता रहा है जो दरमियान वाला फ्लिप फ्लॉप है जिसका आउटपुट जो है क्यू वन है और जिसका इनपुट जे वन और के वन है उसमें इनपुट कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे बेसिकली उनको आप कनेक्ट कर देंगे क्यू जीरो के साथ आखिरी जो दो कान ऑफ मैप्स दिखाए गए हैं वो जे ज़ीरो इनपुट के लिए और के इनपुट के लिए जिस तरह आपने पहले जे के इनपुट्स के लिए कान ऑफ मैप्स मैप किए थे एग्जैक्टली exactly उसी तरह आपने जे ज़ीरो और के ज़ीरो कान ऑफ मैप्स जो है मैप करने हैं सो प्रेजेंट स्टेट जीरो ज़ीरो ज़ीरो से लेके वन 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 तक चेंज हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है जे ज़ीरो इनपुट जो है वो वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स दिखाया गया ये इन्फॉर्मेशन आप जे ज़ीरो कान ऑफ मैप में मैप कर देंगे इसी तरह के ज़ीरो कार्न ऑफ़ मैप में जो प्रेजेंट स्टेट है वो जीरो ज़ीरो जीरो से चेंज होकर वन 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 तक जा रही है जो कॉरस्पॉन्डिंग के ज़ीरो इनपुट्स हैं वो एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन है ये सारी इंफॉर्मेशन आप के ज़ीरो कार्न ऑफ़ मैप में मैप करेंगे जब सिम्प्लीफाई करेंगे आपके पास दो बुलियन एक्सप्रेशन आ रही हैं बेसिकली जे ज़ीरो जो है इट इज़ इक्वल टू वन और ज़ीरो है वो भी इट इज़ इक्वल टू वन अभी हमने देखा कि कार्ड ऑफ मैप की मदद से जो हमारे पास जे के इनपुट टेबल आए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम सिम्प्लीफाई कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन तब हमारे पास छः बुलियन एक्सप्रेशन आ गई हैं जे टू के टू के लिए जे वन के वन के लिए और जे ज़ीरो के ज़ीरो के लिए अब बेसिकली जो आखिरी स्टेप रह गया वो रह गया इम्प्लीमेंटेशन का इन बुलियन एक्सप्रेशन को हमने इम्प्लीमेंट करना है ऑफकोर्स यूजिंग लॉजिक गेट्स और जो लॉजिक गेट्स के आउटपुट हैं वो हम कनेक्ट कर देंगे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे आइए देखते हैं फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो सर्किट बन रहा है काउंटर का डायग्राम में एक थ्री बिट अप काउंटर सिंकोनस अप काउंटर दिखाया गया जिसके ऑफकोर्स तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के क्लॉक इनपुट्स जो हैं वो इकट्ठे कनेक्टेड हैं सो दैट मीन्स हर क्लॉक ट्रांजिशन पे जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे डिपेंड करेगा कि इनके इनपुट कंडीशंस क्या हैं अब आइए इनपुट कंडीशन देखते हैं वो जो सर्किट जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अगर आप कान ऑफ मैप्स को दोबारा देखें J0 ज़ीरो एंड के ज़ीरो का जो कान ऑफ़ मैप है बुलियन एक्सप्रेशन क्या आई J0 ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन एंड के ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन सो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जिसके इनपुट्स हैं J0 ज़ीरो के ज़ीरो वो आपने क्या करने वन के साथ कनेक्ट कर देने जैसा कि बुलियन एक्सप्रेशन में दिखाया गया अब आइए सेकेंड फ्लॉप को देखते हैं जिसके इनपुट्स हैं J1 वन एंड के अगर बुलियन एक्सप्रेशन को देखें J1 वन इज़ इक्वल टू क्यू जीरो एंड के वन इज़ इक्वल टू क्यू ज़ीरो सो आपने क्या करना है जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है जिसके ऑफकोर्स जे वन एंड के इनपुट्स हैं उन दोनों को आपने Q0 के साथ कनेक्ट कर देना है Q0 जीरो बेसिकली क्या है Q0 जो है पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है अब आइए देखते हैं आखिरी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप नंबर थ्री उसके जो इनपुट्स हैं J2 टू एंड के टू इनपुट्स हैं अब इन इनपुट्स के साथ हमने क्या कनेक्ट करना है अगर आप बोलियन एक्सप्रेशन पे जाएं, J2 जो है इट इज़ Q0 Q1 और K2 को अगर देखें वो भी Q0 ज़ीरो एंड क्यू है इनका प्रोडक्ट है सो बेसिकली प्रोडक्ट जो है Q0 Q1 कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक सिंपल एंड गेट यूज़ करेंगे एंड गेट के दो इनपुट्स जो हैं क्यू आउटपुट पे कनेक्टेड हैं और दूसरा जो इनपुट है एंड गेट का वो क्यू वन आउटपुट के साथ कनेक्टेड है एंड गेट का आउटपुट ऑफ कोर्स Q0 Q1 होगा जैसा कि आपको दिखाया गया है सर्किट डायग्राम में J2 K2 के इनपुट जो हैं एंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं अब अगर आप इस सर्किट को कंपेयर करें जो पहले हमने थ्री बिट अप काउंटर बनाया था सिंक्रोनस काउंटर बनाया था एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं उधर भी हमने एक एंड गेट यूज़ किया था जो कि Q0 आउटपुट और Q1 आउटपुट को एंड करता था और एंड गेट का आउटपुट जो था तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के जे के इनपुट के साथ कनेक्टेड था सो so, इस डिज़ाइन प्रोसीजर के तहत एग्जैक्टली वही सर्किट हमारे पास आ रहा है अभी हमने फाइनल इम्प्लीमेंटेशन देखी थ्री बिट काउंटर की वो जो सर्किट हमारे पास आया वो एग्जैक्टली exactly वही था जो हमने पहले थ्री बिट काउंटर बनाया था अब आइए इस सारे प्रोसीजर को समराइज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं सबसे पहला काम जो करना है अपना एक स्टेट डायग्राम बनाना है जो कि बता रहा है इनिशियल स्टेट क्या है प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब आपका क्लॉक ट्रांजेक्शन आया आपका जब स्टेट डायग्राम आ जाएगा उसके बाद आपने इसको चेंज करना है एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली एक स्टेट टेबल बन जाएगा एग्जैक्टली exactly उसी को स्टेट डायग्राम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इस सीकवेंशल सर्किट है या स्टेट मशीन है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है बेसिकली आपने डिसाइड करना है कि जो मेमरी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे मेमरी एलिमेंट्स जैसे हमने बात की थी फिफ्फलॉप्स होते हैं सो जे के हो सकते हैं डी हो सकते हैं कोई और हो सकता है सो so, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है तो उसका जो है ट्रांज़ेशन टेबल वो ज़रूरी है बेसिकली ट्रांजेशन टेबल क्या है हमें ये मालूम है कि जे के फ्लॉप का एक आउटपुट स्टेट है जो ही क्लॉक ट्रांजेसन हुआ डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा तो वो हमने मालूम करना है कि अगर इनिशियल स्टेट कुछ हो नेक्स्ट स्टेट कुछ और हो तो उसके जे और के इनपुट्स हैं उन पर क्या कंडीशन होने चाहिए सो so, एक ट्रांजेसन टेबल आ जाएगा अब इस ट्रांजिशन टेबल और जो स्टेट टेबल है इन दोनों को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो तीसरा हमारे पास टेबल आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि जे के इनपुट टेबल अगर एस आर फ्लॉप होता है या डी फ्लिप फ्लॉप होता है तो हम कहते हैं एस आर इनपुट टेबल या डी इनपुट टेबल सो तो जे के इनपुट टेबल में बेसिकली वही प्रेजेंट स्टेट्स लिखी हुई हैं नेक्स्ट स्टेट्स लिखी गई हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो जे के इनपुट्स हैं वो क्या होने चाहिए ताकि जो इनपुट जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट पर चेंज हो जाए अब डिपेंड करता है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि थ्री बिट काउंटर है तीन फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं सो so हर फ्लिप फ्लॉप जो है उसके इनपुट कॉम्बिनेशन हमने लिखने पड़ेंगे सो so बेसिकली अब हमारे पास आ गया जे के इनपुट टेबल अब उसके बाद क्या करना है जो इंफॉर्मेशन आई जे के जो इनपुट्स हैं उनके कॉलम्स में उनको हमने सिंप्लीफाई करना है एक बुलियन एक्सप्रेशन के तौर पर रिप्रजेंट करना है वो कैसे करेंगे बेसिकली हमने कान ऑफ मैप्स यूज़ किए थे हमारे पास छः इनपुट्स हैं J1, K1, J2, K2 और J0, K0. के ज़ीरो सो छः जो कान ऑफ मैप हो गए उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मैप करेंगे हमारे पास एक सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी बुलियन जो एक्सप्रेशन आई उसको हमने इम्प्लीमेंट कर देना है सो इम्प्लीमेंटेशन करनी आपको आती है जैसे हमने कॉम्बिनेशन सर्किट में यू देखा था जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आई उसको आप लॉजिक गेट्स की मदद से आप इम्प्लीमेंट कर दें जो फाइनल स्टेप है वो है बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस काउंटर दो पार्ट्स हैं जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था एक मेमोरी एलिमेंट है फ्लिप फ्लॉप्स और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है सो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे इन बुलियन एक्सप्रेशंस की मदद से और फ्लिप फ्लॉप्स हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि, कि जे के फ्लॉप होंगे सो आपके पास एक सर्किट आ जाएगा आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम डिसाइड करें कि जे के फ्लिप फ्लॉप की जगह हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना चाहें तो फिर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी बेसिकली अगर वही हम थ्री बेट अप काउंटर बना रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए तो इसका जो स्टेट डायग्राम है उसमें कोई चेंज नहीं होगी अगेन वही जीरो ज़ीरो ज़ीरो से स्टेट शुरू करेगा और काउंट करता करता वन 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 तक पहुँच उसके बाद रिसाइकिल होकर ज़ीरो 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 पर चला जाएगा जो स्टेट टेबल है उसमें भी ऑफ कोर्स कोई चेंज नहीं जो state है जो स्टेट आएगा हमें उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबलर फॉर्म में तीसरा जो स्टेप है उधर चेंज होगी बेसिकली हमने पहले जो था जे के फ्लिप फ्लॉप डिसाइड किया था कि वो यूज़ करना है तो उसका हमने एक ट्रांजेसन टेबल बनाया था अब क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ करना है सो so बेसिकली तीन एस आर फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे सो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेसन टेबल हमने चाहिए अब जब हमारे पास ट्रांजेसन टेबल आ जाएगा तो हम अगेन एस आर इनपुट टेबल बनाएंगे सो वही स्टेट टेबल को यूज़ करते हुए और ट्रांजेक्शन टेबल को यूज करते हुए इसको बनाएंगे आइए हम पहले देखते हैं ऐसा आर ट्रांजेक्शन टेबल एस इनपुट दिखाया गया आर इनपुट दिखाया गया क्यू टी आउटपुट और क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट आउटपुट दिखाया गया अब अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के जो टेबल है फंक्शन टेबल है उसको जेन में लाएँ एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर जीरो है और क्लॉक ट्रांजिशन पे दोबारा जीरो ही रहता है दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट जीरो है नेक्स्ट स्टेट जीरो है तो एस आर इनपुट पर क्या कंडीशन होने चाहिए एक तो हमने ये देखा था कि अगर एस इनपुट जीरो हो आर इनपुट ज़ीरो हो तो प्रेजेंट स्टेट जो है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा प्रेजेंट स्टेट जो भी है वही नेक्स्ट स्टेट रहेगी सो एस इज़ ज़ीरो आर इज़ ज़ीरो दूसरा जो इनपुट कंडीशन है वो ये है कि अगर आर वन हो जाए और एस ज़ीरो हो तो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है आउटपुट में रीसेट हो जाएगा क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट जो है वो ज़ीरो पे सेट हो जाएगी सो इन दो इनपुट कॉम्बिनेशंस को अगर आप जहन में रखें या देखें सो so एस जो है उसको ज़ीरो होना चाहिए आर ज़ीरो हो वन हो इट डज़ेंट मैटर सो एस अगर ज़ीरो हो प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो जो है चेंज हो जाएगी क्यू टी प्लस वन ज़ीरो में सेकेंड रो में अगर देखें प्रेजेंट स्टेट जो है ज़ीरो नेक्स्ट स्टेट जो है वन अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को देखें एस अगर वन हो आर ज़ीरो हो तो आउटपुट जो है एस आर फ्लिपसॉप का वो सेट हो जाता है वन पे नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन हो जाती है सो इनपुट कंडीशन हो गया वन ज़ीरो दूसरा जो इनपुट कंडीशन है वो हो सकता है वन वन जैसा कि जे के फ्लिपॉप में हमें पता है अगर वन वन हो तो स्टेट आउटपुट जो स्टेट है वो टॉगल हो जाती है एस आर फ्लिपसॉप में वन वन कंडीशन जो है इनवैलिड है वो हम अप्लाई नहीं करते सो दैट मीन्स फॉर क्यू टी स्टेट ज़ीरो एंड क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन करने के लिए इनपुट जो कंडीशन हैं एस शुड भी वन आर शुड भी ज़ीरो इसके अलावा कोई और इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है तीसरे अगर आप आ, रो में देखें प्रेजेंट स्टेट जो है वो वन है नेक्स्ट स्टेट जो है क्यू टी प्लस वन वो ज़ीरो पे चेंज हो रही है इसके लिए जो एस आर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट कंडीशनज़ हैं आर शुड बी वन एस शुड भी जीरो बेसिकली आर जब वन होगा तो फ्लिप फ्लॉप जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट हो जाएगा आउटपुट जो है नेक्स्ट आउटपुट जो है वो ज़ीरो पे चली जाएगी अगेन एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम वन वन नहीं अप्लाई कर सकते इन वैलिड है सो so, इस पर्टिकुलर केस के लिए जब क्यू टी वन है और क्लॉक ट्रांजिशन पे क्यू टी प्लस वन जीरो पे जा रहा है एस शुड भी जीरो एंड आर शुड बी वन फाइनल जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट है बेसिकली क्यू टी इज़ वन एंड क्यू टी प्लस वन जो है वो भी वन है सो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में चेंज नहीं हो रहा इसके लिए दो कंडीशंस हैं एस अगर जीरो हो आर ज़ीरो हो तो प्रेजेंट स्टेट जो है वो अनचेंज रहेगी नेक्स्ट स्टेट भी वही रहेगी दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एस वन कर दें आर ज़ीरो कर दें तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो सेट हो जाएगी वन पे चली जाएगी सो so, इन in दोनों इनपुट कंडीशन में जो कॉमन बात है वो ये है कि आर शुड बी ज़ीरो एस ज़ीरो हो वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आर ज़ीरो हो क्लॉक ट्रांजेक्शन पे क्यू टी अगर वन है वो नेक्स्ट स्टेट में भी क्यू टी प्लस वन में वन रहेगा अभी हमने एस आर फ्लॉप का ट्रांजेक्शन टेबल देखा अब जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली जो स्टेट टेबल है जो कि कॉमन था जे के फ्लॉप्स के लिए और एस आर फ्लॉप्स के लिए उस टेबल को और जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेक्शन टेबल आए इन दोनों की मदद से हम एस आर इनपुट टेबल बनाएंगे बेसिकली करना क्या है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स हैं अब हमने ये डिटर्मिन करना है क्योंकि हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं और तीन फ्लिप फ्लिप्लॉप्स यूज़ कर रहे हैं सो so हर प्रेजेंट स्टेट का जो नेक्स्ट स्टेट पर जो चेंज हो रहा है उसके लिए एस आर इनपुट पर क्या कंडीशन होने चाहिए सो so क्योंकि तीन फ्लिप फ़्लिपसलॉप्स यूज़ कर रहे हैं सो so हमारे पास एस टू आर टू एस वन आर वन एस ज़ीरो आर ज़ीरो कॉलम्स होंगे उसमें हमने ये इंफॉर्मेशन डालनी है बेसिकली जब हमारे पास एस आर इनपुट टेबल आ जाएगा उसके बाद वही हमने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है हमारे पास हमने इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है एक बोलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है सो अगेन हम छः कार्न ऑफ मैप्स यूज़ करेंगे एस टू आर टू के लिए एस वन आर वन के लिए एस जीरो एंड आर जीरो के लिए जो हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन आएंगी उनको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से उसके बाद हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप आ जाएगा उसमें हम इनफैक्ट पूरा काउंटर सर्किट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आइए देखते हैं एस आर इनपुट टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप इनपुट टेबल दिखाया गया जैसा कि हमने पहले बताया ये टेबल जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप ट्रांजेशन टेबल और जो है स्टेट टेबल अगेन पहले जो छः कॉलम्स हैं उसमें प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट दिखाया गया क्यू टू क्यू वन क्यू ज़ीरो जो हैं स्टेट वेरिएबल्स हैं अब अगर आखिरी छः कॉलम्स में चले जाएँ एस के कॉलम को अगर आप देखें एस कॉलम की पहली रो में ज़ीरो लिखा हुआ है बेसिकली ये जीरो कैसे आया अगेन प्रेजेंट स्टेट में Q2 कॉलम में देखें ज़ीरो लिखा हुआ है पहली रो में और नेक्स्ट स्टेट Q2 कॉलम में पहली रो में देखें ज़ीरो लिखा हुआ है सो बेसिकली प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है Q2 स्टेट वेरिएबल की और नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी ज़ीरो है अब अगर आप ट्रांजिशन टेबल को देखें पहली रो में प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है तो इनपुट कंडीशन क्या होने चाहिए एस जीरो होना चाहिए और आर एक्स होना चाहिए सो so, जो एस आर फ्लॉप इनपुट टेबल है एस टू के लिए पहली रो में ज़ीरो लिखा हुआ है और आर टू के लिए एक्स लिखा हुआ है इसी तरह जितनी भी प्रेजेंट स्टेट्स हैं नेक्स्ट स्टेट्स हैं तीनों स्टेट वेरिएबल्स के लिए दैट इज़ Q2, Q1, Q0 इन सारों के लिए आपने S2, R2 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन डालनी है जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप ट्रांजेसन टेबल को जहन में रखते हुए इसी तरह S1, R1 कॉलम में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे S0, R0 में इंफॉर्मेशन डालेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन एस आर फ्लिप फ्लॉप ट्रांजेक्शन टेबल की मदद से आएगी अब जो एस आर इनपुट टेबल है इसमें एस टू आर टू एस वन आर वन एस ज़ीरो आर जीरो कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है अब कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे बेसिकली कार्न ऑफ़ मैप्स यूज़ कर रहे हैं पहले जो दो कार्न ऑफ़ मैप्स दिखाए गए एस टू एंड आर टू बेसिकली तीन वेरिएबल्स के कार्न ऑफ मैप्स हैं जो स्टेट वेरिएबल्स हैं क्यू टू क्यू वन एंड क्यू ज़ीरो अगेन जैसा कि पहले जे के फ्लिप के केस में किया गया था एस टू जो कॉलम में इंफॉर्मेशन है वो आपने डायरेक्टली मैप कर देनी एस टू कार्न ऑफ मैप में सो बेसिकली प्रेजेंट स्टेट को अगर आप देखें पहली जो स्टेट है जीरो ज़ीरो ज़ीरो ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल जीरो ऑफ़ द कार्न ऑफ़ मैप इसी तरह जो आखिरी रो में प्रेजेंट स्टेट है वो है वन 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 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेल सेवन ऑफ द कार्न ऑफ़ मैप सो so इनकी कारस्पॉन्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें एस टू कॉलम में स्टेट जीरो के लिए एस टू इज़ ज़ीरो और इसी तरह आखिरी जो स्टेट है वन 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 उसका भी एस टू जो है वो ज़ीरो है सो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में आप जीरो जीरो लिख रहे हैं इसी तरह बाकी जो स्टेट्स हैं वो सारी आपने डायरेक्टली मैप कर देनी है आर टू जो कार्न ऑफ मैप है अगेन थ्री वेरिएबल कारन ऑफ मैप है आपने इनपुट कंडीशन देखने हैं, जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर टू कॉलम में जो इन्फॉमेसन है वो आप डायरेक्टली मैप कर रहे हैं कान ऑफ मैप में इनको जब आप सिम्पलीफाई करते हैं आपके पास दो बोलियन एक्सप्रेशन आ रही हैं एस टू जो है इट इज़ क्यू टू बार क्यू वन क्यू ज़ीरो और R2 जो है उसके एक्सप्रेशन है Q2, Q1, Q0. नेक्स्ट टू कॉलम्स जो हैं S1, R1, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है बेसिकली आप दो कार्न ऑफ मैप्स यूज़ करेंगे दोनों अगेन थ्री वेरिएबल्स के हैं सो एस वन को जब आप मैप करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है Q1 वन बार क्यू ज़ीरो और R1 जो है उसको मैप करते हैं उसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो R1 का जो बुलिन एक्सप्रेशन आ रहा है इट इज़ इक्वल टू Q1 वन नॉट बेसिकली S1 R1 वन जो हैं ये इनपुट्स हैं दूसरे वाले एस आर फिफ्ट्लॉप के सो so, ये जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशनल गेट्स और उनके जो आउटपुट्स हैं वो आप कनेक्ट कर देंगे एस वन के साथ और आर वन के साथ आखिरी जो एस आर इनपुट टेबल के दो कॉलम्स हैं एस जीरो आर जीरो उनको भी आपने इसी तरह कार्न ऑफ़ मैप में मैप करना है और सिम्प्लीफाई करना है अगेन वही तीन वेरिएबल कार्न ऑफ़ मैप्स यूज़ कर रहे हैं सो so, पहला जो मैप है एस ज़ीरो के लिए है उसमें आपने जब इन्फॉर्मेशन मैप की उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो बोलिन एक्सप्रेशन आ रही है वो है Q नॉट बार जो एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास आर ज़ीरो इज इक्वल टू Q नॉट अभी हमने देखा कि कारन ऑफ मैप्स की मदद से जो एस आर इनपुट टेबल है उसमें जो इंफॉर्मेशन है एस टू आर टू एस वन आर वन एस ज़ीरो आर जीरो उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया बोलिन एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम ले आए अब जो आखिरी स्टेप है बेसिकली इंप्लीमेंटेशन कराया गया अभी हम देखते हैं एक सर्किट को जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये थ्री बिट अप काउंटर ऑफ कोर्स ये एस आर फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनाया गया जे के फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से नहीं बनाया गया सर्किट को देखते हैं उसके टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये भी जो काउंटर uh, सर्किट आ रहा है वो उसी तरह एक्जैक्टली काम करेगा जिस तरह जे के फ्लॉप बेस्ड थ्री बिट काउंटर काम कर रहा है सो so, आइए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम आइए पहले देखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री बिट सिंक्रस काउंटर इसमें तीन ऐसा फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं ऑफ कोर्स सिंक्रोनस काउंटर है तो तीनों के जो क्लॉक इनपुट्स हैं वो इकट्ठे कनेक्टेड हैं सो जूँ ही क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा इनकी आउटपुट स्टेट चेंज होगी डिपेंड करता है कि इनके इनपुट्स पे क्या अप्लाई हुआ हुआ है so, सो अगर पहले फ्लिप फ्लॉप को देखें पहला फ्लिप फ्लॉप जो है हर सूरत में टॉगल करता है सो जूँ ही क्लॉक ट्रांजेक्शन हुई क्यों ज़ीरो जो आउटपुट है वो अगर वन है ज़ीरो हो जाएगा अगर ज़ीरो है वन हो जाना चाहिए अब अगर आप बोलिन एक्सप्रेशन को देखें सो so, S0 जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है Q0 ज़ीरो बार के साथ और R0 जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है Q0 के साथ सो बेसिकली क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है अब अगर आप इसको समझें सो क्लॉक ट्रांजिशन पे अगर आप एज्यूम करते हैं कि Q0 ज़ीरो 0 है तो क्लॉक ट्रांजिशन पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि S इनपुट पे Q0 ज़ीरो बार कोनेक्टेड है Q0 ज़ीरो बार वन होगा सो so, एस वन है और आर ज़ीरो है सो so Q0 जो है वो वन हो जाएगा जब Q0 ज़ीरो वन हो जाता है Q0 ज़ीरो बार जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जिसकी वजह से एस ज़ीरो हो गया और R जो है वो वन हो गया सो नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजेक्शन पे Q जो है अगेन टॉगल हो जाएगा सो so पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्रॉस कनेक्ट कर दिया हुआ है और जो कि बोलियन एक्सप्रेशन से भी हमें मालूम हो रहा है कि S को जो है क्यू जीरो बार के साथ कनेक्ट करना है और R को Q के साथ कनेक्ट करना है अब आइए देखते हैं सेकेंड फ्लॉप को सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो एस वन इनपुट है और आर वन इनपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है एक कॉम्बिनेशन सर्किट को जो बूलियन एक्सप्रेशन जो इस कॉम्बिनेशन सर्किट के फंक्शन को डिटरमिन कर रही है वो है क्यू ज़ीरो वन बार ये इसका आउटपुट जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है एस वन के साथ और आर वन के साथ जो कनेक्ट हुआ हुआ है वो कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट है वो बेस कर रहा है क्यू वन एंड क्यू ज़ीरो तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो S2 टू इनपुट है और R2 टू इनपुट है उसको हमने कनेक्ट करना है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ जिसका आउटपुट है वो बेस्ड है बुनिन एक्सप्रेशन Q2 टू बार क्यू वन एंड क्यू जीरो सो जैसा कि ऊपर वाला एंड गेट दिखाया गया है वो कनेक्ट हुआ हुआ है क्यू जीरो आउटपुट के साथ Q1 वन आउटपुट के साथ और Q2 टू बार जो आउटपुट है उसके साथ इसी तरह जो आर टू इनपुट है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का वो बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट है वो बेस्ड है ऑन द बुलिन एक्सप्रेशन Q2, Q1, Q0. वन क्यू सो जो नीचे वाला थ्री इनपुट एंड गेट है उसके जो तीन इनपुट्स हैं एक Q0 से आ रहा है दूसरा Q1 से आ रहा है और तीसरा जो है Q2 से आ रहा है अब हमने ये चेक करना है वेरीफाई करना है कि ये अब काउंटर के तौर पर काम कर रहा है या नहीं आइए देखते हैं इसका टाइमिंग डाइग्राम टाइमिंग डायग्राम जो है थ्री बिट काउंटर का दिखाया गया है, so, सो टी वन इंटरवल पे स्टेट जीरो ज़ीरो जीरो है टी वन इंटरवल पे जो ही क्लॉक ट्रांजिशन होता है तो काउंटर एक काउंट अप काउंट कर लेता है सो क्यू जीरो वन पे चला जाता है क्यू वन क्यू टू जीरो पे रहते हैं और इसी तरह टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव पर वो इंक्रीमेंट कर रहा है बाय वन जैसा कि हमने पहले देखा Q0 जो है आउटपुट वो है पहले वाले SR आर फ्लिप फ्लॉप का वो हमने अभी डिस्कस भी किया था उसको हमने क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से हर क्लॉक ट्रांजिशन पे Q0 का आउटपुट जो है वो टॉगल टौ हो रहा है सो so, अगर आप टाइमिंग डायग्राम को देखें तो वो टॉगल करेगा अब T2 टू इंटरवल पर अगर आए टी टू इंटरवल पर क्यू आउटपुट जो है लो से हाई जा रहा है अब बेसिकली ये जो है दूसरा फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट हाई जा रहा है अब S1 वन इनपुट को देखें बेसिकली उस पर हमने कनेक्ट किया किया हुआ है एक कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट कोनेक्ट किया हुआ है जिसका फंक्शन है Q1 वन बार क्यू ज़ीरो अब अगर आप देखें T2 टू क्लॉक ट्रांजिशन से पहले Q1 वन बार जो है वो बेसिकली है वन क्योंकि Q1 वन आउटपुट जो है वो ज़ीरो है सो so Q1 वन बार आउटपुट जो है वो वन होगा Q0 जो आउटपुट है वो वन है सो so, इन दोनों का अगर आप एंड करें तो ऑफ़कोर्स वन आ जाएगा सो एस वन जो है टी टू क्लाक ट्रांजेक्शन से पहले वन हो गया अब अगर आप आर वन को देखें क्यू वन जीरो है जैसा कि टाइमिंग डायग्राम में दिखाया गया और क्यू ज़ीरो जो है वो वन है अब इन दोनों का जब एंड किया सो आउटपुट पर आपके पास जीरो आ जाएगा सो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसका एस वन जो है वो वन पे सेट हो गया और आर वन जो है ज़ीरो पे सेट हो गया टाइम इंटरवल टी टू से पहले जब क्लॉक ट्रांजिशन नहीं हुआ सो so, जो ही टी टू इंटरवल पे क्लॉक ट्रांजेक्शन होगा पॉजिटिव टू लो एस वन जो है वो वन है आर वन ज़ीरो है तो दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो उसका आउटपुट सेट हो जाएगा दैट मीन्स क्यू वन जो है सेट हो गया सो so, जिस तरह टाइमिंग डायग्राम में दिखाया गया टी टू का आउटपुट वन पे जा रहा है क्लॉक ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप टी टू इंटरवल पे क्यू टू आउटपुट को देखें सो क्यू टू जो है बेसिकली तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है तीसरा फ्लॉप जो है उसके जो दो इनपुट्स हैं एस टू और आर टू उनकी जो बोलियन एक्सप्रेशन हैं वो ज़रा देख लेते हैं उनकी मदद से देखते हैं कि क्यू टू आउटपुट जीरो से ज़ीरो पे क्यों क्यों रहता है एस टू इनपुट की जो बोलियन एक्सप्रेशन है वो है क्यू टू बार क्यू वन एंड क्यू ज़ीरो सो टी टू क्लॉक ट्रांजेक्शन से पहले क्यू वन जो है ज़ीरो है सो दैट मीन्स एस टू इनपुट भी जीरो हो गया इस तरह अगर आप आर टू को देखें उसकी जो बोलियन एक्सप्रेशन है वो है क्यू टू क्यू वन क्यू ज़़ीरो सो so, इस केस में भी Q1 क्योंकि ज़ीरो है Q2 भी ज़ीरो है सो so R2 की जो इनपुट है वो भी ज़ीरो होगा सो so, S2 टू ज़ीरो है R2 टू ज़ीरो है जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ T2 पे, SR का जो नेक्स्ट स्टेट है वो ज़ीरो ही रहेगा अनचेंज रहेगा अब अगर हम T4 इंटरवल पे देखें Q2 जो आउटपुट है वो जीरो से वन की तरफ चेंज हो रहा है अगेन बुलियन एक्सप्रेशन को देखें सो so, एस जो इनपुट है वो बेसिकली वन हो गया क्योंकि Q2 टू बार जो है वो वन है Q1 वन भी वन है और S0 ज़ीरो भी वन है सो so, जो थ्री इनपुट एंड गेट है उसका आउटपुट वन होगा S2 टू इज़ वन आर को अगर आप देखें Q2 जो है वो ज़ीरो है जिसकी वजह से R2 टू इनपुट जीरो हो गया अब जो तीसरा फ्लिपसॉप है उसका S2 टू वन है और R2 टू इनपुट जो है ज़ीरो है सो so, जो ही क्लॉक ट्रांजेशन हुआ T4 पे वो अपनी आउटपुट स्टेट को सेट कर देगा दैट इज़ लॉजिक वन सो जैसा कि टाइमिंग डायग्राम में नज़र आ रहा है T4 फोर इंटरवल के बाद आउटपुट जो है Q2 वो सेट हो गया लॉजिक वन पे अब आप अगर Q1 वन आउटपुट को देखें T4 फोर इंटरवल पर वो वन से ज़ीरो पे जा रहा है बुलिन एक्सप्रेशन अगर देखें S1 वन इनपुट के लिए सो so Q1 वन बार क्यू जीरो है सो so Q1 वन बार जो है वो ज़ीरो हो जाता है इस केस में सो दैट मीन्स S1 वन इनपुट ज़ीरो हो गया R1 जो है वो उसकी बुल एक्सप्रेशन है Q1 Q0 Q1 जो है वन है Q0 भी वन है सो दैट मीन्स सेकेंड जो फ्लिप फ्लॉप है जिसका आउटपुट Q1 है उसका S इनपुट S1 वन इनपुट जो है ज़ीरो है और R1 वन इनपुट जो है वन है जो ही क्लॉक ट्रांजेशन हुआ T4 पे ये जो फ्लॉप है रीसेट हो जाएगा दैट्स वाई Q1 वन आउटपुट जो है वन से ज़ीरो की तरफ सेट हो रहा है अभी हमने थ्री बिट अप काउंटर देखा जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया था एस आर फ्लॉप्स की मदद से पहले जो हमने थ्री बिट अप काउंटर इम्प्लीमेंट किया था वो था हमने जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे ऑफकोर्स दोनों के सर्किट डायग्राम्स डिफरेंट है पर दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं एस आर जो बेस्ड काउंटर है उसका हमने टाइमिंग डायग्राम देखा और उससे वेरीफाई किया कि वो काम सही कर रहा है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को दोबारा स्टडी करेंगे देखेंगे कि अगर हम डी फिफ अप यूज़ करें तो फिर कैसे काम करेगा उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल uh, देखेंगे अप एंड डाउन काउंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे जितने भी हमने स्टेप्स आज पढ़े सो so, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं खुदा अस्सलाम वालेकुम